माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? तो आज है मंगलवार की सुबह और कल था सोमवारी का मेरा व्रत। तो आज सुबह मैं जल्दी जल्दी से उठी और बच्चों का लंच टिफ़िन ये सब रेडी करने में लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने के बाद। जी हाँ, मैं बिना घर की झाड़ू पोछा किए कोई काम स्टार्ट नहीं करती, तो आज मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे भी आज पूजा करने के बाद ही पारण करना था, मतलब कुछ खाना था। वैसे भी व्रत के दूसरे दिन आप बिना नहाए खाना भी नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना है अपने बड़ों से। तो मुझे भी आज जल्दी से नहाना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। तो यहाँ मैं कर रही थी क्या, चोखा फ्राई करने के लिए तैयारी कर रही थी। प्याज फ्राई हो रहा था और यहाँ मैं आलू छील रही थी। आलू बहुत ही गर्म थे गाइस, मुझसे ना थोड़ा सा भी गर्म हाथों से बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं और लेडीज़ को देखती हूँ बड़े आराम से गरम गरम चीज़ें हाथ में ले लेती हैं और उनको ज़रा भी कुछ भी असर नहीं होता। मेरी बहनों को भी मैंने देखा है और मुझसे थोड़ा सा भी गर्म मेरे हाथों पे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। मैंने ठंडा पानी डाला था, उसके बावजूद भी देखिए मेरे हाथों में वो मैं ले नहीं पा रही थी आलू को, थोड़ा थोड़ा नीचे रखने के बाद मैं छील रही थी। आज मैं सुबह उठी थी ना, तो मन में यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ जो जल्दी से रेडी भी हो जाए और मेरे बच्चों को पसंद भी आ जाए। तो ये चोखा जो फ्राई होता है ना, फ्राई चोखा, मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने यही बना दिया क्योंकि आसानी से बन भी जाएगा जल्दी से। और मैं आज, मेरा व्रत का दूसरा दिन था, मतलब व्रत खोलना था आज, तो मतलब मैं भी ऐसा चाहती थी कुछ ऐसा चटपटा मुझे खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कढ़ी बनाई थी अपने लिए। जी हाँ, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कढ़ी बनाया था और नाश्ते में रोटी और ये चोखा था और कढ़ी के साथ भी था, कढ़ी चावल के साथ भी ये चोखा था। मैंने दूसरी सब्जी कोई नहीं बनाई थी और पकौड़े बनाने वाली थी, तो फिर अचानक से कुछ काम आ गया था। वो वीडियो में आप आगे देखेंगे कि मैं क्यों नहीं बना पाई, वरना मैं आज कुछ पकौड़े तलने वाली थी, बैंगन के, आलू के। मेरा मन कर रहा था कि आज बनाऊँ पर मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे जल्दी से कहीं निकलना था। तो देखिए कहाँ निकलने वाली थी मैं आज। तो ये देखिए मेरा चोखा बिल्कुल रेडी हो गया था, फ्राई हो चुका था और मैंने इधर आटा भी लगा लिया था। ये चोखा वैसे सबको पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने बचपन से इसे खाया है और अभी तक मुझे ये पसंद है। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। अब मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मेरा अचानक से ध्यान आया कि मेरा बच्चा देखिए कैसे रेडी हो रहा है। झाड़ो झाड़ो, कितना अच्छा तो झाड़ रहे हो। कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। बहुत बहुत बढ़िया झाड़ रहे हो क्या? और फिर आलू रेडी हो गया था तो मैंने उससे पूछा कि चोखा रोटी खाओगे ना नाश्ते में, तो उसने कहा कि नहीं मुझे दही चूड़ा दे दो, उसे दही चूड़ा बहुत पसंद है, उसे उसका बस चले तो वो रोज़ खाएगा। उसे पता चला कि मैंने घर में दही जमा के रखी हुई है, तो उसने कहा कि नहीं मुझे दही चूड़ा दे दो और लंच में मैं चोखा रोटी खा लूँगा। तो बोले चलो भाई ठीक है। तो मैं उसके लिए चूड़ा धोकर साफ़ कर रही थी और देखिए मैंने उसके पैकेट वाला दही दिया क्योंकि मैंने उससे पूछा कि घर वाला लोगे या पैकेट वाला, तो उसने पूछा कि तुम तो पैकेट वाला तो नहीं रखी थी ना, घर में दही जमाई थी ना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं पैकेट वाला भी रखी थी, तो उसने कहा कि नहीं तब मुझे पैकेट वाला ही दे दो। घर वाली दही में एक्चुअली वो जो छाली आती है ना ऊपर से, वो उसको ज़रा पसंद नहीं है, मैं उसे वो हटा के देती हूँ तो खाता है। तो जब उसे पता चला कि पैकेट वाली दही है तो उसने वही मांग लिया, तो मैंने पैकेट वाला ही दही उसको डाल के दिया था।
बहुत मैंने मुश्किल से मैंने उसे घर का दही खिलाना सिखाया है। अब उसे पसंद आता है, ऐसा नहीं है, पहले खाने से कतराता था छाली के चलते, तो लेकिन अब खा लेता है। आज के दिन आरुष का योगा क्लास होता है, हर एवरी ट्यूसडे उसका योगा क्लास रहता है। और ये है योगा मैट, मैं उसके लिए रेडी कर रही थी। मैं ये रबड़ बैंड इसलिए लगा देती हूँ ताकि बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ के मैनेज करने में आसानी रहे, नहीं तो खुल के फैल जाएगा तो बच्चा फिर कैसे करेगा। वैसे तो संभाल लेता है, लेकिन फिर भी एक ठो लगाया मैंने, रबड़ टूट गया, फिर मैंने दूसरा रबर लेके आई और दोनों तरफ से लगा दिया। देखो अभी मत पहनो, टाइम नहीं हुआ है, बस टाइम नहीं हुआ है, तो मौसम की वजह से रेडी हुए हैं। ठीक है, किनारे किनारे पे लगाए हैं, आप ऐसे ही लगाना, ठीक है। आरुष का मैंने सब कुछ रेडी करके दे दिया था, अब उसे बस निकलना था। तो इधर मैं अपने किचन में आई और कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कर रही थी कि टाइम से मेरा भी नाश्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं दवाई लेती हूँ गाइस, तो दवाइयाँ टाइम से खाना ज़रूरी होता है। तो मेरा हो गया था सब कुछ, वैसे टाइम से हो गया था सब कुछ। अभी आरुष के रहते हुए मैं इतनी सारी तैयारियाँ कर चुकी थी कढ़ी के लिए, बस कढ़ी बना के थोड़े से बर्तन थे उसे धो के मुझे नहाने के लिए चले जाना था। तो ये देखिए हाथों से मैं ये नमकीन जैसा बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी ऐसे कहते हैं कि सिर्फ कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, उसमें ऊपर से कुछ पकौड़े या ऐसे कुछ डालना चाहिए उसमें। और इधर मैं शुभी को भी ब्रेकफास्ट निकाल के दे रही थी, उसने देखा कि आज फ्राई चोखा बनाया तो बहुत खुश हुआ था, एकदम उसके चेहरे पे हंसी आ गई थी खुशी वाली कि मतलब मेरा फेवरेट बना है। वैसे तो मैं हर रोज़ उसकी फेवरेट को ध्यान में रखते हुए ही खाना बनाती हूँ सच में, बाकी हम तीनों तो कुछ भी खा लेते हैं शुभी का, लेकिन फेवरेट हर रोज़ कुछ ना कुछ तो बनता ही है। आप लोग कढ़ी कैसे बनाते हो गाइस, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैं इस कढ़ी में कढ़ी पत्ते भी डालती हूँ, और बहुत लोग इसमें मेथी का फ़ोरन देते हैं, लेकिन मुझे ना मेथी बस भुजिया में पसंद है, आलू का जो भुजिया बनता है उसमें बस मेथी डालती हूँ, बाकी किसी सब्जी में मेथी नहीं डालती मैं, क्योंकि वो जो उसका टेस्ट होता है ना कड़वा कड़वा सा, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं डालती।
पहले मुझे कढ़ी बिल्कुल बनाने नहीं आती थी, फिर अब मैं जो ये ट्रिक से बनाती हूँ ना, तो मुझे अब कढ़ी मेरे से बन जाती है। पहले क्या होता था, मैंने फट जाती थी, फटती भी मतलब एक बार फटी थी, लेकिन फिर भी मैं डर से बनाती नहीं थी कि मेरे से कढ़ी बनेगी नहीं। लेकिन अब मैं बड़ी आसानी से बना लेती हूँ, कढ़ी मेरी बिल्कुल भी नहीं फटती है। मैंने ये जो देखिए, पहले लहसुन मैं क्या क्या डालती हूँ कढ़ी में बताती हूँ। मैं कढ़ी पत्ते, लहसुन को पतले पतले टुकड़ों में काट लेती हूँ, फिर जीरा और सूखी लाल मिर्च, ये फ़ौरन में डालती हूँ मैं। उसके बाद हल्दी वाला पानी घोल के डाल देती हूँ, और फिर दही और बेसन एक साथ घोल के उसके ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए दही वाला पानी, अरे सॉरी, हल्दी वाला पानी मैंने डाला, और ये दही को एक बर्तन में निकाला, फिर उसमें मैंने बेसन डालती हूँ। उसको अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें लम्प्स ना बने, जो लम्प्स बन जाएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कढ़ी। एकदम अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद, अगर आप चाहें तो उसे मिक्सर में ना ग्राइंड भी कर सकते हैं, उसमें और अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, लेकिन मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें ऐसे मिक्स कीजिए कि उसमें कोई लम्प्स ना हो। उसके बाद उसमें पानी डालिए, और बस ये जो हल्दी पक जाए तो उसमें आप डाल दीजिए। देखिए किस तरह से मैंने मिक्स किया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है। और नमक इस दौरान मैं बिल्कुल नहीं डालती। नमक कब डालती हूँ, जब मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाती है, गैस ऑफ कर देती हूँ, तब जाके मैं नमक डालती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, मेरी कढ़ी कभी भी नहीं फटती है। दीदी लोग तो पता नहीं कैसे बना लेते हैं, उनका तो फटता ही नहीं, लेकिन मेरा एक बार फट गया था, उसके डर से मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये वाली कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनती है गाइस, सुशील जी को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा, जब पहली बार मैंने ऐसे बना कर खिलाई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम तो सबसे बेस्ट कढ़ी बनाने लगी हो। सच में उनको सबको पसंद आती है ये वाली कढ़ी। तो जिसको कढ़ी बनाने में मुश्किल आती हो, फट जाती हो, तो इस ट्रिक से आप कढ़ी बनाकर देखिए, आपकी कढ़ी बिल्कुल नहीं फटेगी, और आप मुझे याद ज़रूर करोगे कि वाह क्या ट्रिक बताया है। बस क्या करना है, आपको नमक एकदम लास्ट में डालना है। देखिए मेरा कढ़ी एकदम रेडी हो गया था, तो मैंने इस लास्ट में ये डाला जो बनाया था, नमकीन जैसा ऊपर से डाल दिया था मैंने। अब मैं क्या करूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी, क्योंकि कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मैं डाल रही हूँ नमक, और ये कढ़ी आप खाकर देखिए, बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। और ट्रिक तो लाजवाब है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत लाजवाब है। तो सब करने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया, फिर मैं नहाने चली गई थी, और मेरा काम सच में बहुत जल्दी से हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो सब कुछ टाइम से हो गया। और फिर मैंने पूजा की, तुलसी जी को आज नहीं छूते हैं ना, मंगलवार को हम लोग, मंगलवार को और रविवार को उनको छुआ नहीं जाता है। तो मैंने ऊपर ही बस सिंदूर लगाया, अपने माथे से लगाया, और मैं बस पूजा तो मैं वैसे घर में सुशील जी ही करते हैं सुबह का, तो वो देखिए करके चले गए थे। बाकी मैंने थोड़ा सा पूजा किया, हाथ जोड़ लिए थे, एक अगरबत्ती दिखाई थी, हो गया था मेरा पूजा। हाँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाना था, तो वो ज़रूरी था मेरे लिए करना। तो 10 बजते बजते मेरा पूजा पाठ भी हो गया था, मैंने नाश्ता भी कर लिया था। जी हाँ, 10 बजे तक मैंने नाश्ता कर लिया था, अपनी दवाई भी ले ली थी, मतलब सब कुछ बिल्कुल टाइम से हो गया था मेरा। और ये सब नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ा लेट गई थी, और पता नहीं क्यों आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, नाश्ता करने के बाद ना मुझे बहुत बड़ी तेज़ नींद आती है, खासकर व्रत के दूसरे दिन तो बहुत तेज़ नींद आती है। मुझे लगता है कि अब कुछ ना करूं, बस चुपचाप जाके सो जाओ, और मैं सो भी जाती हूँ, पर आज मुझे सोने को नहीं मिला था गाइस। जैसे ही मैं नाश्ता ख़त्म करके सोई हुई थी, मतलब 1-1.5 घंटा तो सोई ही थी, पर मेरे लिए उतना भी काफ़ी नहीं था। मतलब एकदम जाके नाश्ता करके सीधे सोने को थोड़ी ना मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम था, मैंने उसको काम ख़त्म किया, अभी मैं जाकर लेटी थी 11:30 बजे शायद, हाँ मैं लेट गई थी, तब तक सुशील जी का कॉल आया।
मैंने आप सबको पहले भी बताया है और मेरे व्लॉग्स में भी आपने देखा है कि एवरी ट्यूसडे हम लोग मुरुगन स्वामी के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो और हम लोग शाम को जाते हैं 4 बजे से। तो आज सुशील जी का कॉल आया 12 बजे कि हम 12:30 बजे दोपहर में ही चलें, क्योंकि उनको कुछ काम था। क्या काम आ गया था मुझे पता नहीं, लेकिन कंपनी का कुछ काम था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, तो मैंने मना नहीं किया कि ठीक है चलते हैं, आज देखते हैं दोपहर में जाके। तो दोपहर में हम लोग निकले तो मैं जो पकौड़े बनाने वाली थी गैस, वो इसी कारण से कैंसिल हो गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि मुझे दोपहर में निकलना है। अचानक से उनका कॉल आया था तो वो पकौड़े तो मन में ही रह गए, मैं बना नहीं पाई ना ही खा पाई। चलो नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। लेकिन दोपहर में जब हम यहाँ आए ना तो बड़ा अच्छा हुआ, दोपहर में आ गए। पता नहीं दोपहर की वजह से कि क्या रीज़न था, आज इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमेशा रहती है। आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है कि लाइन में ही ना 2-2.5 घंटे एकदम लगने ही लगने हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो ठीक है 1 घंटे में हो गया, नहीं तो 2.5 घंटे तो पक्का आपको लगते ही हैं लाइन में खड़े रहते हुए। लेकिन आज यहाँ देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली। और उस साइड जो 2-4 भीड़ दिख भी नहीं रही थी ना आपको थोड़ी सी, वो फ्री वाले लाइन में थी, वो भी थोड़ी सी भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कैमरा में आपको ज़्यादा दिख रहा है, वरना हमारे लाइन में जिसमें 50 रुपये वाली लाइन थी तो उसमें बिल्कुल खाली। और यहाँ मैं बोल भी रही थी कि सुशील जी दोपहर का ही वक्त बिल्कुल सही है। और यहाँ हमने 50 रुपये का जो ये टिकट कटवाया लाइन का, वो कटवा के हम लोग सीधे मंदिर के अंदर चले गए थे। मतलब गाइस 15 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर में घुसे और दर्शन करके फिर वापस बाहर निकल रहे थे। कहाँ हमें थोड़ी सी भीड़ मिली थी, भीड़ नहीं कहेंगे, थोड़ी सी लाइन मिली थी यहाँ भगवान जी के एकदम पास आने के बाद। यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे, दर्शन किए, माला चढ़ाया, फिर पंडित जी ने एक माला हमें वापस दिया भगवान के ऊपर से, और हम लोग फिर वापस घर के लिए निकल गए। ये वहाँ का मार्केट है, सब्जियाँ, फूल वगैरह, मालाएँ, पूजा का सामान, ये सब मिलता है वहाँ पर। तो गाइज़ ये था आज का मेरा पूरा व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।